हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ डिलीवरी रूम के ऐसे सीक्रेट बातें जो आपको ज़्यादा पता होना चाहिए। अगर आप नॉर्मली पहली बार माँ बन रही हो तो आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कब, कैसे, क्यों, कितने कितने टाइम बाद आपको पुश करना है। जैसे कि आप सब जानते हो नॉर्मल डिलीवरी में पुश कराते हैं डॉक्टर, जितना आप पुश करते हो, सही तरीके से पुश करते हो, उतना ज़्यादा चांसेस होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। इसलिए आपको कब पुश करना है, कितने टाइम तक करना है और कैसे करना है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आपको हॉस्पिटल कब जाना चाहिए। जैसे कि नॉर्मली आपकी ड्यू डेट देते हैं डॉक्टर, आप सोचते होंगे कि मैं ड्यू डेट पे हॉस्पिटल जाऊं, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी पानी की थैली फट जाता है तो आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपकी ड्यू डेट निकल गया है, ड्यू डेट्स के एक दो दिन ऊपर हो गया है, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है, थोड़ा सा स्पॉटिंग हो रही है या फिर ब्लीडिंग हो रही है या फिर आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो भी आपको इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि बच्चा आपके पेट में नहीं चल रहा है, हलचल नहीं कर रहा है, नहीं घूम रहा है या फिर कुछ एक्टिविटीज नहीं कर रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आप टाइम टू टाइम हॉस्पिटल जाते हो, जैसे कि डॉक्टर जब आपकी 9 महीना होता है उस टाइम पे आपको 15-15 दिन में बुलाते हैं। अगर आपकी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आपको हफ्ते हफ्ते में भी बुलाते हैं। अगर आप रेगुलर चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाते हो तो उस टाइम पे आप डॉक्टर से पूछ सकते हो मेरी डिलीवरी कब होगी। वैसे तो नॉर्मली डॉक्टर एक ड्यू डेट देते हैं कि आपकी डिलीवरी इस टाइम पे होता है, बट जो डॉक्टर ड्यू डेट देते हैं उस टाइम पे ज़्यादातर मैक्सिमम लेडीजों को बच्चा नहीं होता है, उससे 1 से 2 हफ्ते पहले ही डिलीवरी हो जाती है। जब आप हॉस्पिटल जाते हो उस टाइम पे डॉक्टर आपकी देखते हैं कि वजाइना कितना खुला है। जैसे कि नॉर्मली नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए 10 सेंटीमीटर तक वजाइना ओपन होना बहुत ज़रूरी है। जब लास्ट में आप डॉक्टर की चेकअप के लिए जाते हो, जब लास्ट मंथ में 9th मंथ में जब आपकी डिलीवरी होने का टाइम हो, हफ्ता भर पहले या फिर 15 दिन पहले, डॉक्टर आपकी वजाइना में फिंगर डाल के चेक करते हैं कि आपकी वजाइना कितने सेंटीमीटर खुला है। वजाइना का मुँह 10 सेंटीमीटर तक खुलता है तो जाके नॉर्मल डिलीवरी होती है। अगर आपकी वजाइना की मुँह 2 सेंटीमीटर तक खुला है या 2 या फिर 3 सेंटीमीटर तक खुला है, तो आपको डॉक्टर इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं। क्योंकि जैसे ही वजाइना का मुंह ओपन होना चालू हो जाता है, उसके बाद हो सकता है आपकी 24 घंटे के अंदर अंदर ही डिलीवरी हो जाए। इसलिए डॉक्टर आपकी उस टाइम पे आपकी वजाइना में डॉक्टर फिंगर डाल के चेक करते हैं। आप लोग ये मुझे कॉमेंट करते हो, ये सवाल पूछते हो कि मैम डॉक्टर हमें वजाइना में फिंगर डाल के कब चेक करते हैं, तो इसका जवाब भी यहीं पे देना चाहती हूँ। जब आपकी लास्ट महीना होता है, जैसे लास्ट महीने में जब आप डिलीवरी के लिए जाते हो, उस टाइम पे आपकी डॉक्टर आपकी वजाइना में फिंगर डाल के चेक करते हैं। क्योंकि उनको पता करना होता है कि आपकी वजाइना के मुँह कितने सेंटीमीटर तक खुला है, तो वो इस तरह से उंगली डाल के चेक करते हैं। अगर 2 उंगली जाए तो 2 सेंटीमीटर तक खुलता है और 3 उंगली जाए तो 3 सेंटीमीटर तक खुलता है। इस टाइप से वो आपकी वजाइना में फिंगर डाल के चेक करते हैं। ये नॉर्मल है, डॉक्टर को पता करना होता है कि आपकी वजाइना के मुंह कितने सेंटीमीटर तक खुला है। तो आपको डॉक्टर 2 से 3 सेंटीमीटर अगर वजाइना के मुंह खुला है तो इमीडिएटली आपको एडमिट करेंगे। या फिर पानी की थैली आपकी फट गई हो, जैसे लिक्विड टाइप की आपकी वजाइना से निकल रहा है, जैसे वो तो सूसू तो है नहीं जो आप रोक पाओ, तो जैसे अनलिमिटेड रूप से पानी की थैली फट जाता है तो बहुत सारे पानी निकल जाता है, अगर वो निकल गया है तो डॉक्टर आपको एडमिट कर देते हैं। और हो सकता है 10 से 12 घंटा या फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी डिलीवरी हो जाए। अगर नॉर्मली आपकी ड्यू डेट है और आपको पेन नहीं आ रहा है, क्रैम्पिंग नहीं आ रहा है बिल्कुल भी, तो आप डॉक्टर के पास गए हो उस टाइम पे भी अगर आपकी सारी चीज़ें देखते हैं डॉक्टर और आपको एडमिट कर सकते हैं। क्योंकि उस टाइम के आपका बेबी बिल्कुल मैच्योर हो चुका होता है और आपको डिलीवरी करने की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे डॉक्टर जो होता है वो इंजेक्शन से लेवर आने की दवाइयाँ डाल देते हैं या फिर आपकी वजाइना में छोटी छोटी गोलियाँ आती है वो रख देते हैं। वो रखने के बाद आपको 1 घंटा या फिर मैक्सिमम 1.5 से 2 घंटे में आपकी लेवर पेन चालू हो जाता है। ये डॉक्टर के हाथ में है किस तरह से वो डिलीवरी कराते हैं। तो नॉर्मली अगर ये तो हो गया, नॉर्मली आपको लेबर पेन कैसे आएगा और आपको किस समय पे आपको जाना चाहिए हॉस्पिटल,
हॉस्पिटल जाने के बाद अगर आपकी लेवर पेन चालू हो गया, आपकी पानी की थैली फट गई, आपकी वजाइना 10 सेंटीमीटर खुल गया, तो इमिडिएटली आपको डिलीवरी रूम में ले जाते हैं। नॉर्मली आपको जो एडमिट करते हैं तो एडमिट रूम अलग होता है, वहाँ पे आपको जितने टाइम तक आपको क्रैम्पिंग हो रहा होता है, जितने टाइम तक आपको दर्द हो रहा होता है, वजाइना अच्छे से 10 सेंटीमीटर तक नहीं खुलता है, उस टाइम तक आपको अलग रूम में रखते हैं। जैसे ही आपकी 9 सेंटीमीटर तक या फिर 10 सेंटीमीटर तक आपका वजाइना ओपन हो जाता है, तो उस टाइम पे इमिडिएटली डॉक्टर आपको डिलीवरी रूम में ले जाते हैं, और डिलीवरी रूम में जाने के बाद आपकी जो प्रोसेस है पुश करने का वो चालू हो जाता है। आपको डिलीवरी रूम के अंदर जाके पुश करना है। आप अगर बाहर ही हो, आपको लेबर पेन स्टार्ट हो रहा है, आपको क्रैम्पिंग हो रहा है, अगर आप ये सोचो कि मैं अभी से पुश करने लग जाऊँ तो मेरा बेबी जल्दी बाहर निकलेगा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप गलत पुश करते हो, मतलब जहाँ पे आपको एडमिट करता है उसी रूम में आप पुश करने लग जाते हो, आप जोर देने लग जाते हो कि आप सोचो कि हाँ मैं पुश करूँगी, जल्दी बेबी को निकाल दूँगी, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप उस टाइप से पुश करोगे, डिलीवरी रूम के अंदर जाने से पहले आप पुश करने लग जाओगे, वहाँ पे आप एडमिट करते टाइम भी आप पुश करने लग जाओगे, तो हो सकता है आपकी बेबी को दिक्कत हो, आपकी बेबी की जो हेड होता है वो आके आपकी वजाइना में फंस सकता है और उसकी सांसें बंद हो सकती हैं। इसलिए आपको जो एडमिट करते हैं उस रूम में आपको बिल्कुल भी पुश नहीं करना है, जब तक डॉक्टर नहीं बोलते हैं उस टाइम तक आपको बिल्कुल भी पुश नहीं करना है। हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग हो, पेट में दर्द हो, उस टाइम पे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, पीछे दर्द होता है, और ऐसा लगता है कि मैं निकालूँ, सूसू आ रही है, पोटी आ रही है, मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, इस टाइप का फीलिंग होता है आपको उस टाइम पे। जैसे आपको एडमिट करते हैं आपका लेबर पेन चालू हो जाता है, तो आप उस टाइप से फील करते हो कि मुझे कभी सूसू आ रहा है, कभी पोटी आ रहा है, इस टाइप से आपको फीलिंग होती है, मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा क्रैम्पिंग होती है उस टाइम पे। जैसे आपको 10-10 सेकेंड में, 20-20 सेकेंड में आपको क्रैम्पिंग होती है बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा लगता है कि मैं इसको निकालूँ, निकाल के फेंक दूँ, मैं निकालूँ और मैं फ्री हो जाऊँ, बट उस टाइम पे आपको जब तक डॉक्टर नहीं बोलते हैं, जब तक वजाइना कि मुंह 10 सेंटीमीटर तक ओपन नहीं होता है, तब तक आपको बिल्कुल भी पुश नहीं करना है। जब आपको डॉक्टर डिलीवरी रूम के अंदर लेके जाते हैं तब आपको पुश करना है, तो वो भी डॉक्टर बोलते हैं। डॉक्टर आपके दोनों पैर जो डिलीवरी रूम में अलग से एक चेयर टाइप का होता है जहाँ पे आपको लिटाया जाता है, और दो दो आपके पैर होते हैं, दो पैर को दोनों साइड से इस तरह से ऊँचा करके रखा जाता है और आपको बोलते हैं पुश करो डॉक्टर। अब आपको टाइम आ गया पुश करने का। पुश भी किस तरह से करना है, आपको एक बार जोर से मतलब दम लगाना है, पुश करना है और छोड़ना है, आपको हल्की सांस मतलब अच्छे से सांस लेना है, गहरी सांस लेना है, और थोड़ी सी 1 मिनट तक आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहना है, उसके बाद वापस आपको जितना हो सके अंदर से पुश लगाना, पुश करना है 2-3 बार या फिर 4-5 बार। अगर इस टाइप से आप पुश करते हो, हल्का सांस लेते हो, मतलब गहरी सांस लो आप, तो एक पहले तो आप रिलैक्स हो जाओ, गहरी सांस लो और जितना आपका हो सके दम लगा के आप पुश करो। इस टाइप से अगर 4 से 5 बार आप पुश करते हो तो आपकी बेबी 100% डेफिनेटली निकल जाएगा बाहर, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही करा था। डॉक्टर ने मुझे बोला था पुश करो सब, मैं पहली प्रेगनेंसी में तो मुझे पता नहीं था कैसे पुश करना है, मैं बस पुश करती थी, बोलती थी मेरा दर्द हो रहा है, मुझे सिजेरियन कर दो, मैं नहीं कर पाऊंगी। फिर डॉक्टर मुझे बोलती थी कि आपको पुश करना है, आपको पुश करना है, तो मैं वापस फिर थोड़ा सा पुश करती थी, तो मुझे ऐसा लगता था हाँ मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर मैं चुपचाप हो जाती थी। तो डॉक्टर ने मुझे एक बार चिल्लाया कि आपको पुश करने के लिए मैं बोल रही हूँ, इस टाइप से अगर पुश करो तो आपकी बेबी अभी फटाफट निकल जाएगा। तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप पहले गहरी सांस लो, उसके बाद आप जितना हो सके अंदर से जितना आप दम लगा सकते हो लगा के आप पुश करो। तो मैंने 3 से 4 बार इस टाइप से पुश किया तो मेरा बेबी बाहर निकल गया। तो आप भी इस तरह से पुश करोगे तो आपका बेबी भी बाहर निकल जाएगा, और आप बेबी निकलने के बाद इतना रिलैक्स हो जाओगे कि इतना दर्द उस टाइम पे इतना दर्द होता है जब आपका बेबी निकल जाए, तो आपको आप इतना रिलैक्स करोगे कि हाँ मैं आ गई, स्वर्ग में आ गई, इस टाइप से आपको फीलिंग होता है। डिलीवरी के बाद जितना भी पेन होता है आप
अपनी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनते हो तो आपको इतना खुशी मिलता है, आप वो दर्द भूल जाते हो। और आप विश्वास नहीं करोगे, डिलीवरी के बाद जो टाँके लगते हैं वो भी आपको दर्द नहीं होता, उसमें भी आपको इतना दर्द नहीं होता, आपका इतना फीलिंग नहीं होता है, क्योंकि पहले ही इतना ज़्यादा दर्द हो चुका होता है। जब टाँके लगाते हैं डॉक्टर, उसमें भी मुझे इतना दर्द नहीं हुआ था। टाँके लगाया, डॉक्टर ने बोला हम टाँके लगा रहे हैं, तो मैं चुप चुप करके बैठी। थोड़ा सा ऐसा लगता था कि हाँ कहीं सुई चुभ रही है, बट इतना बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ था उस टाइम पे, क्योंकि जितना दर्द मुझे सहना था मैंने पहले ही सह चुकी थी। तो इस टाइप से अगर आप पुश करते हो तो आपको डिलीवरी बहुत ही आसानी से होगी। दर्द तो होगा ही होगा, ये नहीं कि दर्द नहीं होगा, बट दर्द होने के बाद भी जो खुशी मिलता है वो तो हम खुश हो जाते हैं। बच्चे की आवाज़ सुन के, हम बच्चे की फेस देखते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि 5 से 6 पुश कर लिया आपने, सब कुछ कर लिया, 6-7 पुश में भी आपके बच्चे नहीं निकलते हैं, तो आप थोड़ा सा हेड को थोड़ा सा इस टाइप से ऊपर कीजिए। जैसे आपको लिटा देते हैं डिलीवरी रूम में, तो आपको थोड़ा सा हेड को पुश करके, और जैसे आप पोटी निकालते हो, जैसे आप कब्ज के टाइम पे, या फिर आपके पेट में दर्द होता है, या फिर आपकी कभी कभी ऐसा होता है कि हमें अच्छे से फ्रेशन अप नहीं होते हैं, उस टाइम भी हम जैसे जोर लगाते हैं, उस टाइप से आपको बिल्कुल जोर लगाना है कि हाँ मैं ये बेबी को मैं निकाल दूँ बाहर। इस टाइप से अगर थोड़ा सा आप उठ के, या फिर आप हो सके तो अगर आपको चिल्लाने का मन हो तो आप आराम से चिल्लाइए, और बहुत ज़ोर से चिल्ला के अगर थोड़ा सा उठ के भी आप पुश करोगे तो हो सकता है आपकी बेबी निकल जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा दम लगाने की ज़रूरत होती है। आपको जिस टाइप से कंफर्टेबल लगता है, आप जिस टाइप से कंफर्टेबल हो उस टाइप से थोड़ा सा हल्का सा उठा के, हल्का सा सर को उठा के, और आप चिल्ला के अगर आप पुश करते हो सकता है आपकी बेबी निकल जाएगा। अगर आप ये भी ट्राई करके देख सकते हो, अगर आपको 6-7 बार तक पुश करने से बेबी नहीं निकल रहा है तो आप जोर से चिल्लाइए, और आप ऐसे कीजिए कि आपको जो बोलना है बोलिए, जोर से चिल्लाइए, और आप बिल्कुल दम लगा के पुश कीजिए, तो आपकी बेबी 100% निकल जाएगा। डिलीवरी के टाइम पे आप बहुत ज़्यादा जोर से पुश लगा रहे होते हो, उस टाइम पे आपकी सूसु निकल सकती है, पोटी निकल सकती है। उस टाइम पे आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, आपको सूसु निकलती है तो आपको निकलने देना है, रोकना बिल्कुल भी नहीं है। पोटी निकलती है तो पोटी भी निकलने देना है, वहाँ पे नर्स होती है वो साफ़ कर देती है, आपको रोकना बिल्कुल भी नहीं है। सूसु आए पोटी आए, आप आराम से कर दीजिए पुश करते टाइम। अगर आपको सूसु निकलता है पोटी निकलता है तो आप आराम से निकलने दीजिए। आप ये मत सोचिए कि डॉक्टर नर्स मुझे क्या बोलेगी, मैं पोटी कर रही हूँ तो मुझे क्या सोचेगी, ये चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचना है। आपको जो भी आता है पोटी सूसू आपको आराम से निकालना है, आपको पुश करते रहना है, क्योंकि आपकी मेन टारगेट उन सूसू और पोटी में नहीं होना चाहिए, आपकी मेन टारगेट होना चाहिए आपके बेबी को बाहर निकालने में। अगर आप अच्छे तरीके से पुश नहीं करते हो, बेबी को बाहर नहीं निकालते हो, तो आपकी वहाँ पे बेबी का जो हेड वगैरह है वो चपटा होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, या फिर फंसने का ज़्यादा चांसेस होता है। इसलिए जितना हो सके आप जिस टाइप से भी आप बेबी को निकाल सकते हो आप निकाल दीजिए। डिलीवरी के टाइम पे जब आप पुश कर रहे होते हो, पुश करते टाइम अगर आपका बच्चा निकलने वाला हो, उस टाइम पे डॉक्टर क्या करते हैं, वजाइना में कट लगा देते हैं, क्योंकि बच्चे को बाहर निकलना आसान हो जाए। उस टाइम पे कट लगता है, आप विश्वास नहीं मानोगे, आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है कि मेरे वजाइना में कट लगा है, आपको इतना दर्द होता है वो निकालने के टाइम पे, तो वो कट भी आपको पता नहीं चलता है। डॉक्टर कट लगाती है जिसकी वजह से आपको आराम से आसानी से डिलीवरी हो पाए। अगर आप सही ढंग से पुश करते हो तो आपकी बेबी जल्दी निकल जाएगा, अगर आप गलत ढंग से पुश करते हो तो आपका बेबी को और आपको भी परेशानी हो सकती है। इसलिए अच्छे से पुश कीजिए, और डिलीवरी करने के बाद आप सब जानते हो, आप बेबी की जब आवाज़ सुनते हो तो आप कितना हैप्पी होते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और कोई सवाल पूछना है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, आपकी कमेंट के जवाब देने की मैं कोशिश करूँगी। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।